नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बंधु शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। देखिए, कल के मुकाबले की हम बात करते हैं। आईपीएल के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10 विकेट की शानदार जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ मुंबई जो है वो अब एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने में कामयाब रही है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के दौरान मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में नजर ही नहीं आए। उनकी जगह किरण पोलार्ड ने कप्तानी का जिम्मा संभाला था। तो वही 4 विकेट लेने वाले मुंबई इंडियंस के टेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच चुने गए और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, राजकुमार शर्मा जी हैं विराट कोहली के कोच, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राजकुमार शर्मा जी, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। कल जब हमने चर्चा की थी, एकदम यही बात हो रही थी कि चेन्नई की जो हालत है वो कितनी खस्ता है, लेकिन इतनी बुरी मतलब स्थिति हो जाएगी यहाँ पर डुप्लेसी, धोनी, रायडू, ऋतुराज, जडेजा, जगदीशन, मतलब कोई नहीं चला, एक प्लेयर तक नहीं चला, किसी का बल्ला काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि शायद 50 के अंदर सिमट के रह जाएंगे। तो भला सैम करन का कि कम से कम 100 के पार यहां पर स्कोर को लेकर गए वो। बिल्कुल, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी खराब हालत है चेन्नई की, और वही कल फिर देखने को मिला। और जिस तरह का कलेप्स हुआ वो बिल्कुल इतना एक्सपेक्टेड, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और शानदार गेंदबाजी को भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने जिस तरह शुरुआत की वो बहुत लाजवाब था, और उसी की वजह थी कि ऐसा वो हुआ। बाद में सैम करन ने जरूर कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो बस कंसोलिडेट कर पाए थोड़ा सा कि आप बहुत ज़्यादा खराब ना हो स्थिति, और वो जैसा आपने कहा कि ऐसा लग रहा था कि 50 से पहले ना आउट हो जाए, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने संभाला। बाकी मैच में कहीं भी नहीं थी चेन्नई शुरू से ही, और कल के मैच में ऐसा लगा भी नहीं कि हम 3 बार की चैंपियन टीम को देख रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने वन साइडेड मैच तो बहुत देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से आईपीएल के इतिहास में सीएसके के लिए तो इतनी बुरी हार इससे पहले होगी नहीं कि 10 विकेट से टीम जो है वो आउट हो जाए। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर उतरे थे कल मैदान में, तमाम चेंजेस किए गए। हम ओपनिंग ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, इमरान ताहिर, जिस पर इंतजार किया जा रहा था कि उन्हें कब मैदान में उतारा जाता है, उन्हें भी मौका दिया गया, लेकिन सीएसके कुछ भी नहीं कर पाई। लग रहा है मैच शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग घुटने टेक चुकी थी, क्योंकि जो माहौल चल रहा था चेन्नई सुपर किंग में वो कहीं से इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा था कि चेन्नई सुपर किंग कहीं से भी इस टूर्नामेंट में है। आप जितने भी मैचेस देखें, अगर एक मैच जो पहला इनॉग्रल मैच था चेन्नई सुपर किंग का, उसको आप हटा दें, तो लगातार टीम में बढ़ते कलेश की वजह से, टीम में लगातार बढ़ते कॉम्बिनेशन को लेकर जो एक चीज चल रही थी, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर सामने आया कि महेंद्र सिंह धोनी का बतौर कप्तान जो कद था इस टूर्नामेंट से पहले, वो बहुत तेजी के साथ नीचे आया, क्योंकि वो हमेशा से जाने जाते रहे कि टीम को प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले आएंगे। टीम जब नीचे लगी होगी तो वो खुद अच्छा करेंगे सामने से आके, और बाकी की टीमें अच्छा करने लगेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग मैच, मुझे लग रहा है मैच खेलना तो दूर छोड़िए, मैच में कहीं से वो थे ही नहीं, ना मेंटली थे ना फिजिकली थे। एक औपचारिकता के लिए वो आए थे मैदान पे, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाकी बचे हुए मैचेस में वो कप्तान है, वो छोड़कर भागेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली चेन्नई ये टूर्नामेंट अब छोड़ चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल, और ऐसा वाकई में लग रहा था कि खेलने के इरादे से शायद उतरे ही नहीं थी यहाँ पर पूरी की पूरी टीम, और बल्लेबाजों को देखकर तो कम से कम यही यहाँ पर समझ आया। लेकिन मुंबई की भी बात करते हैं हम यहाँ पर, हमारे साथ रितिंदर सिंह सोडी जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। रितिंदर जी, स्वागत है आपका। मुंबई की ओर से ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने कमाल कर दिया था, मतलब ये उम्मीद उनसे जाहिर तौर पर की भी जा रही थी और उस पर वो खरे भी उतरे। जी हाँ, बिल्कुल बरखा, बहुत अच्छी बॉलिंग की ट्रेंट बोल्ट ने, बुमराह ने, और ये तो जग जाहिर है कि वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इस समय अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के पास था, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है, लेकिन मुंबई ने अपनी बॉलिंग को जस्टिफाई किया है। बहुत बढ़िया तरीके से बॉलिंग हो रही है, पिचिंग बकमाल हो रही है, और T20 क्रिकेट में एज अ बॉलर एक्सेल करना आसान नहीं है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने बार बार दिखाया, दिन ब दिन दिखाया कि इनमें दम है, इनमें वेरिएशन है, इनमें जिगर है। तो ऐसी बॉलिंग, जी हाँ, मुंबई टॉप फेवरेट है आईपीएल जीतने के लिए, और जैसे भी राजीव ने कहा, सीएसके का अब समय आ गया है इंट्रोस्पेक्ट करने का, एंड इंट्रोस्पेक्ट बिग टाइम।
जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, कल के मैच में इंटरेस्टिंग ईशान किशन को भी देखना था, मतलब जिस तरीके से उनका बल्ला चला, बिल्कुल दिख रहा था कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है और जहाँ खास तौर पर जो ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं वो कितना बखूबी उनमें क्रिकेट है और किस तरीके से वो मैच को जितवा सकते हैं। बिल्कुल, एक शानदार खिलाड़ी हैं ईशान किशन। उन्होंने पहले भी एक बहुत शानदार पारी खेली 99 रन की और कल भी उन्होंने दिखाया कि क्या क्लास है उनके पास। तो एक अच्छा फ्यूचर है ये भारतीय क्रिकेट का और एक अच्छा कंपटीशन हो गया है, स्पेशली मैं कहूँ विकेट कीपर्स में ऋषभ पंत के साथ साथ संजू सैमसन और ये ईशान किशन। तो एक अच्छी चॉइस है सेलेक्टर्स के पास, कप्तान के पास, कि आप किसी को भी खिला सकते हैं क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी बिल्कुल रेडी हैं भारत के लिए खेलने के लिए। बिल्कुल। और ये तो ईशान किशन की हमने यहाँ पर बात की है राजकुमार जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी यहाँ पर उठ रहे हैं कि धोनी से जब बात हुई थी यहाँ पर एंड में, तो ये कहते हुए नजर आए थे कि हाँ समझ में आ रहा है कि टीम का प्रदर्शन ठीक नहीं है, वो तो पूरे सीजन में ही ठीक नहीं रहा है, लेकिन अब कितना स्कोप बच जाता है ये अब देखना चेन्नई को जरूर यहाँ पर होगा। राजकुमार जी, रितिंदर जी, राजीव जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा।